हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हेयर टू स्टडी आवर चैप्टर 10 फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द सर्मन एट बनारस। सो स्टूडेंट, द टाइटल शोज इट इज अबाउट अ सर्मन। सर्मन इज बेसिकली अ रिलीजियस लेक्चर। एक जो धार्मिक उपदेश होते हैं उन्हें सर्मन कहा जाता है। तो इन दिस चैप्टर वी हैव द सर्मन ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने जो फर्स्ट उपदेश दिया था अपना बनारस में, इस चैप्टर में वो एक्सप्लेन किया गया है। और ये चैप्टर जो है ये लिया गया है बेटी रेनशॉ की वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर। ये इसका जो सोर्स है वो बेटी रेनशॉ की ये कलेक्शन है, उसमें से लिया गया है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर। गौतम बुद्ध 563 BC टू 483 BC बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध जिनका जन्म जो हुआ था वो 563 BC हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, राइट। तो बिफोर क्राइस्ट आपको पता है मतलब क्राइस्ट से पहले, उनसे पहले 563 ईयर्स पहले। अब आप खुद देखेंगे क्राइस्ट से 563 ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर आगे कम होता गया होता गया होता गया, तो जैसे 483 BC आया। इसीलिए ये ऐसा लगता है कि मतलब हम जब भी एज काउंट करते हैं तो हम पहले जो होता है जो नंबर हमारा आता है वो स्मॉल नंबर होता है और बाद वाला जो होता है वो बिगर नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम 563 पहले आया, 483 बाद में आया। तो वो इसलिए आया क्योंकि क्राइस्ट से मतलब पहले 563 ईयर्स पहले, और फिर उसके बाद 483 ईयर्स तक, मतलब ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक वो उनकी लाइफ थी। तो इसलिए ये जो है 563 BC। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्राइस्ट से 563 ईयर्स पहले, फिर तब तक वो जीते रहे, तो जब तक मतलब 483 ईयर्स तक, क्राइस्ट के 483 ईयर्स तक वो जो है रहे थे, ठीक है। तो उनकी लाइफ जो शुरू हुई थी वो एक प्रिंस की तरह शुरू हुई थी। वो एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और वह इंडिया के नॉर्थ में रहते थे। एट 12 ही वो सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स लेटर ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म की जो सेक्रेट स्क्रिप्चर, सेक्रेट होता है धार्मिक और स्क्रिप्चर्स मतलब है होली बुक्स। तो हिंदू धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं, जैसे पहले के टाइम में तो हमारे अभी जैसे बहुत सारे वेद हैं हिंदुओं में, तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, तो ये सारे वेदों की मतलब पढ़ाई करने के लिए उन्हें भेजा गया। और जब वो वहाँ से 4 साल बाद लौटे तो उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी कर ली थी। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज अ बीफिटेड रॉयलिटी। वो उनका एक बेटा भी था और उन्होंने 10 साल तक, बी फिटेड होता है मतलब बिल्कुल सूटेबल जो उनके लिए हो, रॉयलिटी रॉयल लाइफ, राजाओं की तरह जीना। तो उन्होंने 10 साल तक अपनी रॉयल लाइफ जी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटूफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। और कह रहे हैं कि 25 years की एज में प्रिंस जो थे, हेयर टू फोर मीन्स क्या होते हैं, बिफोर नाउ मतलब इससे अभी तक, इससे पहले उन्हें शील्ड किया गया था, बचाया गया था सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने दुख हैं उनसे उन्हें बचाया गया था। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो हंटिंग पे, शिकार पर जा रहे थे, तो उन्होंने चांस अपॉन मतलब कम अक्रॉस बाय चांस, मतलब बाय चांस उन्होंने देख लिया। क्या देख लिया, एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल आपको पता है जैसे किसी की डेड बॉडी को लेके जाया जाता है उसका मतलब जलाने के लिए या फिर उसको दफनाने के लिए, तो जो लेके जाया जाता है उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं। तो फ्यूनरल देखा उन्होंने और फाइनली उन्होंने क्या देखा, एक मॉन्क, मॉन्क मतलब एक साधु देखा बेगिंग, जो कि भीख मांग रहा था फॉर आंस, आंस मतलब होते भीख,
तो वो बेगिंग कर रहा था भीख के लिए, भीख मांग रहा था वो. दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड. साइट्स, साइट्स मतलब होते हैं सीन, जो दृश्य मतलब उन्होंने देखा. इन सीन ने मतलब सो मूव्ड हिम, इतना ज़्यादा उन्हें हिला दिया कि वो उसी टाइम मतलब उन्होंने क्या किया, ही वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड, वो दुनिया में निकल गए. वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट होता है अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए. तो एकदम से मतलब दुनियादारी छोड़कर निकल गए, और किस चीज़ के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए. और किस चीज़ के लिए, कंसर्निंग द सोरोज, उन दुखों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए. ही हैड विटनेस, जो उन्होंने देखे थे. ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और वो 7 सालों तक भटकते रहे, और फाइनली वो जो है एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए. वेयर ही वोड टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम, जहाँ पर उन्होंने वोड मतलब होते शपथ लेना, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक यहाँ पर से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति ना हो जाए. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही री नेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. जब उन्हें 7 दिनों बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने उस ट्री का, उस पेड़ का नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. और बोधि का मतलब क्या होता है, विजडम, बुद्धिमता. ही एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और फिर उन्होंने वहाँ से लोगों को सिखाना शुरू करना शुरू कर दिया, उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया जो उन्हें नई समझ आई थी उसे. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. और तब तक उन्हें क्या जाना जाने लग गया था, बुद्धा, द अवेकंड और द एनलाइटेंड. बुद्धा का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो जागा हुआ है. एनलाइटेंड मतलब जिसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. बुद्धा का जो प्रीच मतलब उपदेश था, उनका पहला जो उपदेश था वो कहाँ था, बनारस सिटी में था. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, और जो कि क्या माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है, डिपिंग प्लेसेस नहाने का जगह, बाथिंग. तो गंगा रिवर पर नहाने के लिए सबसे पवित्र जगह बनारस मानी जाती है. तो वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था. दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व, उस उपदेश को प्रिजर्व करके रखा गया है, मतलब संभाल कर रखा गया. एंड इज गिवन हेयर, यहाँ, और जो यहाँ पर दिया गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. ये दिखाता है हमें बुद्धा की जो विजडम है, उनकी जो समझ है, किसके बारे में, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इनस्क्रूटेबल होता है मतलब जिसको हम समझ नहीं सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. तो जो परेशानियां हैं जिनको हम समझ नहीं सकते, उसके लिए जो बुद्धा की जो विजडम है, बुद्धा का जो ज्ञान है, वो इसमें दिखाया गया है. देखिए इसमें क्या उन्होंने मतलब उपदेश में क्या बोला था. अब ये जो आगे आपका है, ये जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो लिखा हुआ है. लेट्स कंटिन्यू. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. किसा गौतमी एक लेडी है जिसका एक ही बेटा था और वो मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड. अब वो इतनी ज़्यादा दुख में आ गई थी कि वो अपने डेड चाइल्ड, मरे हुए बच्चे को जो है अपनी गोद में उठाकर घूमती रही. उसे वो इतनी ज़्यादा दुख में थी कि उसे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि उसके बेटे की डेथ हो गई है. तो वो उसे लेके घूमती रही और अपने आस पड़ोस में, और सबसे क्या उसने मांगा, मेडिसिन मांग रही, दवाई मांग रही थी कि कोई ऐसी दवाई दे दो जो कि जिससे कि उसका बेटा ठीक हो जाए. उन लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है, इसने अपनी सेंसेस खो दी हैं और इसका जो बेटा है मर चुका है. एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. और आखिरकार किसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिली जिसने उन्हें उनकी जो मतलब जो वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसके लिए उस आदमी ने उन्हें जवाब दिया.
आई कैन नॉट गिव यू दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. अब वो कहते हैं कि आई कैन नॉट गिव दी, दी जो है जैसे ओल्ड जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें ये लिखा जाता था, यू को लिखा जाता था दी और आगे लिखा हुआ है दाई, दाई मतलब है योर. तो ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किया जाता था, अब तो बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ नहीं होता है और ये बहुत पुराना है तो उस टाइम पे यही लिखा गया था. तो वो कहते हैं कि मैं जो है तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बेटे के लिए, बट आई नो ए फिजिशियन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो दे सकता है तुम्हें दवाई. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट, प्रे मतलब प्लीज़. तो वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे बताओ सर वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सक्यमुनि द बुद्धा, और वो कहते हैं कि तुम सक्यमुनि बुद्धा के पास जाओ. किसा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड, रिपेयर मतलब वेंट टू जाना. तो किसा गौतमी जो है वो बुद्धा के पास जाती हैं और रोते हुए बोलती हैं लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. और वो कहती है कि मुझे मेडिसिन दो जो मेरे बेटे को ठीक कर सके. द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड. अब बुद्धा ने आंसर किया कि मुझे उसके लिए दवाई के लिए एक जो है मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे, सरसों के बीज चाहिए होंगे. एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्यूर इट द बुद्धा एडेड, और जब उस लड़की ने खुशी में प्रोक्यूर मतलब होता है कि हाँ ला देना प्राप्त कर लेना, तो जब लड़की ने प्रॉमिस किया कि हाँ वो तो मैं ला के दे दूँगी उसमें क्या है, तो वो खुश हो गई कि चलो ये तो मैं ले आती हूँ. बुद्धा एडिड, बुद्धा ने उसी लाइन में ऐड करके बोला द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड. तो आगे उन्होंने बोला कि मस्टर्ड सीड सिर्फ उसी घर से लाना जहाँ पर किसी ने भी अपने बच्चे को ना खोया हो, किसी ने अपने हस्बैंड को ना खोया हो, अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड को किसी की डेथ ना हुई हो जिस घर में, उस घर से आप मस्टर्ड सीड्स लेके आना. पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट. बेचारी किसा गौतमी जो है अब घर घर जाती हैं और लोगों को उस पर दया भी आती है और वो कहते हैं कि ये है मस्टर्ड सीड ले जाओ. बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, तो अगर वो पूछती कि क्या आपके घर में कोई आपका बेटा बेटी फादर मदर किसी की डेथ हुई है क्या. दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, और वो दुखी होकर कहते हैं कि जो लोग जिंदा हैं वो कम हैं और मरे हुए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं. मतलब कि जो लोग हैं मतलब फैमिली में डेथ तो बहुत ज़्यादा लोगों की हो चुकी है, जो लोग जिंदा है वो तो जिंदा रहे हुए हैं लोगों जो हैं वो उनके नंबर कम हैं और मरे हुए जो लोग हैं फैमिली में वो बहुत ज़्यादा हैं. अब देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली में जो फादर्स फॉर फादर्स उनकी डेथ हो जाती है, तो अब जो लोग फैमिली मेंबर्स हैं वो तो कम ही होंगे और उनसे बहुत ज़्यादा लोग जो फैमिली में पहले जिनकी डेथ हो चुकी होगी, तो सारे दुखियों के ये कहते हैं कि जो लोग जिंदा है वो कम है और मरे हुए लोगों की जो नंबर है वो ज़्यादा है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, और लोग क्या कहते हैं कि हमें याद मत दिलाओ हमारे उन दुखों के बारे में. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वो कहती है कि कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर मतलब किसी ने अपने प्यारे को नहीं खोया हुआ हो. किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी मतलब टायर्ड थक जाना. किसा गौतमी टायर्ड हो गई और निराश हो गई एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो बैठ गई वे साइड मतलब रोड साइड पर और जो शहर है उनकी लाइट्स को देखने लगी. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो देख रही थी कि कैसे लाइट जो है टिमटिमा रही, फ्लिकरिंग करना मतलब टिमटिमाना, टिमटिमा रही थी और फिर अचानक से एक्सटिंग्विश्ड हो गई बुझ गई. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और आखिरकार पूरे शहर में जो है अंधेरा छा गया. एट एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो कंसीडर मानती है कि यही इंसान का भाग्य है फेट है कि एक बार तो उनकी ज़िंदगी जो है टिमटिमाती है और फिर एकदम से बुझ जाती है.
एंड शी थॉट ऑफ टू हर सेल्फ, फिर वो अपने बारे में सोचती हैं, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है, सबके साथ ऐसा होता है, डेथ आती है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरालिटी इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सोरो, ऐसे मतलब एक वीरान दुख से भरी हुई जगह है। तो वो कहती है कि फिर भी इस वीरान दुख से भरी हुई ये जो जगह है, ये एक ऐसा रास्ता है जो कि उसे लेके जाएगा इमोर्टैलिटी की तरफ। हु है सरेंडर, जिसने अपने सारी सेल्फिशनेस सारा लालच खो दिया है, तो वो उसे अमरता की तरफ ले जाएगा अगर वो इस वीरान दुखों से भी। ये बताती है कि ये जो दुखों से भरा ये जो रास्ता है, अगर यहाँ पर ये अपने स्वार्थ को छोड़ दे तो ये अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। अब बुद्धा कहते हैं द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स क्या होता है, दोज बाउंड टू डाई, मतलब जिनको एक ना एक दिन मरना ही है। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो परेशानियों से भरी हुई है, ब्रीफ है, छोटी है और बहुत ज़्यादा दुख है उसमें। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि जो पैदा हुआ है वो मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, एक बार बुढ़ापा आने के बाद डेथ निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही जो है लिविंग बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उन यही प्रकृति का ने यही प्रकृति है, यही उनका नेचर है कि जब वो बुढ़ापा आ जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। आगे किस्सा बहुत आगे बुद्धा कहते हैं कि जैसे जो फ्रूट्स पक जाते हैं उनके गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, उसी तरह से जो मॉर्टल्स हैं, जो लोग हैं, जब वो पैदा हो जाते हैं तो उनके ऊपर डेथ का खतरा हमेशा बना रहता है, वो अपनी डेथ के नज़दीक आते रहते हैं। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बींग्स ब्रोकन, जैसे कि जो अर्दन वेसल मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जिन्हें पॉटर एक कुम्हार बनाता है, वो टूटने के नज़दीक रहते हैं, मतलब वो टूटते ही हैं एक ना एक दिन। सो इज़ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स, ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। कहते दोनों, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो मूर्ख हैं चाहे वो समझदार है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, सबको जो है एक ना एक दिन उनकी डेथ आनी है और एक ना एक दिन उनको मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस रिलेशंस। कहते हैं कि दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो लोग मर जाते हैं वो लाइफ से डिपार्ट कर लेते हैं, चले जाते हैं, कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, कोई रिश्तेदार, किन्समैन होते हैं जो हमारे रिलेटिव्स ब्लड रिलेशंस होती हैं, कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता, मतलब डेथ तो सबके लिए एक कॉमन है, सबकी डेथ कभी ना कभी तो होनी है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली वन बाय वन, मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। कितने ध्यान रखना, जो रिश्तेदार दिखाई देते हैं लेमेंटिंग डीपली, मतलब रोते हुए, लेमेंट होने किसी की डेथ पर रोना, तो जो रोते हुए दिखाई देते हैं वो भी वन बाय वन, वो लोग भी क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, किसके आगे बढ़ रहे हैं, डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक ऑक्स, एक बैल जो है उसे एक स्लॉटर के पास लेके जाया जाता है, मतलब स्लॉटर होते हैं जो मारते हैं जैसे बैलों को, और उनको मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे स्लॉटर के पास ऑक्स आगे बढ़ता जाता है, लिया जब जाता है, वैसे ही जो मॉर्टल्स हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे डेथ की तरफ बढ़ते जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये डेथ से मतलब एफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्टेड मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग डिजीज और पेन, मतलब ये जो दुनिया है
इसमें परेशानियां जो दिखाई देती हैं, जो परेशानियों से भरी जो ये दुनिया है, ये हमें ये कहाँ ले जाती है, डेथ में, और डी के मतलब पतन की ओर ले जाती हैं। देयरफॉर इसलिए जो वाइज जो बुद्धिमान लोग हैं वो ग्रीव नहीं करते, दुखी नहीं होते, जिनको दुनिया की समझ आ जाती है, नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, जो जिनको दुनिया की टर्म्स समझ में आ जाती है, दुनिया समझ में आ जाती है, वो बुद्धिमान लोग जो हैं वो दुख पर कभी भी रोते नहीं हैं, दुख नहीं मनाते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कहते हैं रोने से, दुख मनाने से किसी को भी मेंटली जो है शांति नहीं मिलती। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। इसका उल्टा, बल्कि उसका जो पेन है, जो दर्द है, वो और भी बढ़ता जाता है और उसकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा परेशान होती है। ही विल मेक हिम सेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को बीमार कर लेता है, पेल कर लेता है, मतलब पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना, जब कमजोरी में पीले पड़ जाते हैं। तो कहते हैं जितना ज़्यादा परेशान होंगे, जितना ज़्यादा रोएंगे, हमारा दिमाग भी इतना शांत नहीं रहेगा, और बल्कि हमारी जो दुख है वो बढ़ता जाएगा और उसका असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। हालांकि ये जो डेथ है, जो लोग मर गए हैं, उनको बचाया नहीं जा सकता इस तरह रोने से, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना रोने से क्या फ़ायदा, आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, आप कमज़ोर हो जा रहे हैं। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. वो लोग जिन्हें शांति चाहिए वो अपने आप को खींच कर रखते हैं बाहर, मतलब वो lamentation दुखों में, शिकायतों में, और जो grief है, जो उनका सौरव है, जो परेशानियाँ हैं, वो उनमें अपने आप को डुबो के नहीं रखते, वो अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकालते हैं। जो कहते हैं कि जिनको शांति मिलती है, वो कैसे शांति मिलती है, जब आप अपने आप को इन दुखों से बाहर निकाल लेते हैं, इन शिकायतों से बाहर निकाल लेते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि हमारा ही बेटा क्यों मरा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो कहते हैं इस तरह की कंप्लेंट करने से और ज़्यादा हम परेशानी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लेता है उसको शांति मिल जाती है। ही Who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. देखिए drawn out of arrow का मतलब होता है तीर को निकाल के फेंक देना। तो वो लोग यहाँ पर तीर को निकालने का फेंकना मतलब क्या है कि जो लोग अपने आप को दुखों से बाहर खींच के निकाल देते हैं, has become composed, composed मतलब होता है शांत हो जाना, relax हो जाना। वो क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं और उन्हें जो है शांति मिल जाती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. वो जो अपने आप को दुखों से फ्री कर लेता है, समझ लीजिए वो उसके ऊपर ही भगवान का आशीर्वाद है, वो ही ब्लेस्ड है। सो दिस वॉज योर चैप्टर, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।